दोस्तों EPS95 पेंशन से संबंधित काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है। EPS95 पेंशन से संबंधित जो भी कोई अपडेट आता है, हम कोशिश करते हैं सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे आपको पता रहे EPS95 पेंशन से संबंधित क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, EPS95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, ये जो अपडेट निकल के आ रहा है, ये अपडेट ये आ रहा है, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। 5 मार्च को EPF पेंशन पर यह अहम फैसला संभव। 5 मार्च को नौकरी करने वालों को मिलेगा बड़ा तोहफा। सरकार डबल कर सकती है EPS पेंशन। तो फ्रेंड्स, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को दोगुना कर 2000 रुपए करने का फैसला हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अलग अलग प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव पर सहमति बनाने को कहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% PF में जाता है। इतना योगदान कंपनी भी करती है, लेकिन कंपनी के 12% योगदान में से 8.33% EPS यानी कि इंप्लॉई पेंशन स्कीम में जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी इसमें मूल वेतन का 1.16% का योगदान देती है। आपको बता दें कि EPS पेंशनर्स को अभी 1000 रुपए महीना पेंशन मिल रही है। वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय से एक प्रस्ताव पर सहमति बनाने को कहा है। श्रम मंत्रालय और यूनियन ने पेंशन की अलग अलग सिफारिश की है। श्रम मंत्रालय ने मिनिमम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं लेबर यूनियन ने मिनिमम पेंशन 3000 रुपए करने की मांग की है। गैर संगठित क्षेत्र की तर्ज पर संगठित क्षेत्र की पेंशन में बढ़ोतरी की मांग है। वित्त मंत्रालय को यूनिवर्सल पेंशन में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव दिया गया है। 5 मार्च की बैठक में हो सकता है फैसला। CBT अब नए प्रस्तावों पर सहमति बनाएगी। 5 मार्च की बैठक में फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए PF पर ब्याज दर का भी फैसला होगा। बैठक में अगर प्रस्ताव पास होता है तो वित्त मंत्रालय इस पर फैसला लेगा। लेबर मिनिस्ट्री संतोष कुमार गैंगवार ने हाल में एक सवाल के जवाब में बताया था कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर काफी बोझ पड़ेगा। इससे सरकारी खर्च बढ़कर 5,955 करोड़ रुपए हो जाएगा। हालांकि इससे करीब 39.72 लाख पेंशनरों को फायदा होगा। तो दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था EPS पेंशन को लेकर, जो है 5 मार्च को EPFO की जो CBT की मीटिंग है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो बैठक है, मीटिंग है, उसमें डिसाइड होगा जो है मिनिमम पेंशन कितनी होगी। बाकी वहां से जो भी कोई अपडेट निकल के आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्या जो डिसाइड हुआ है मीटिंग में, क्या फैसला हुआ है, आपके हिसाब से पेंशन जो है कितनी होनी चाहिए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए, या फिर जो है EPS95 पेंशन जो है देश के बुजुर्ग जो मांग कर रहे हैं 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता, वो होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो भी अपडेट निकल के आएगा इससे पहले या CBT की मीटिंग से जो भी फाइनल डिसीजन होगा, हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी इस तरह के रेगुलर अपडेट आपके लिए हम लेके आएंगे।